शायद, पर ठीक है, कोई मुश्किल नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। सर बताइए सर। हाँ, नहीं, मैं बोल रहा था कि आपने ओम का उच्चारण करके देखा तो आपको अपने अंदर ऊर्जा का संचार, शक्ति जैसी अनुभव होती है जब हम ये करते हैं, करने के बाद। ये ईसोफेगस में थोड़ा वाइब्रेशन के जैसे हो रहा है सर, वो करते समय हाँ, करते चेस्ट समय पे वाइब्रेशन हो रहा है। हाँ, करते समय ये होता है। ऐसे तो ठीक से कर सकता हूँ सर मैं। कभी भी कर सकते हैं उसको, कभी भी कर सकते हैं, कितनी बार भी कर सकते हैं। ओम का जो उच्चारण है, ओमकार जिसको कहते हैं हम, ये इस पे तो पूरी साधना भी करते हैं लोग। तो कई योगी जो हैं सिर्फ ओमकार की साधना करते हैं, तो वो भी एक बहुत शक्तिशाली साधना है। आप कभी भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी बंधन नहीं है। खाने के पहले, खाने के बाद, सुबह, शाम, रात में, एनी टाइम यू कैन डू। ठीक है सर। ठीक है, और कक्षा के समय हम इसलिए करते हैं ताकि एक अच्छी चीज चालू कर रहे हैं तो शक्ति का संचार हो, और उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं हमेशा। हाँ ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट टाइम वी हैड सीन कि लता शब्द, जो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसके विभक्तियां, विभक्ति का अर्थ है कि अलग अलग उपयोग के समय उसी शब्द के रूप बदल जाते हैं। तो जैसे हमको कहना है लता ने, तो मतलब लता डिड समथिंग, तो तब वो प्रथमा वाला उपयोग है। दिस इज द डूअर, कर्ता। लता जो है वो कर्ता है, लेकिन लता को जब हमको ऐसा कुछ बताना है कि अहम पुस्तकम पठामि, तो अब पुस्तकम जो है, पुस्तक को पढ़ रहे हैं आप, इसलिए वो वहां पे द्वितीया आती है। तो यदि लता को कोई ऐसी बात बोलनी है जिसमें लता को कुछ कहना है, तब हम द्वितीया उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण हमने लिए थे, अहम लताम स्थापयामि, तो मैं लता को रख रहा हूँ या लगा रहा हूँ, ये नवीन जी ने उदाहरण दिया था। या फिर वयम लताह, तो अब यहाँ पे बहुवचन का उपयोग यदि करेंगे, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों वचनों में विभक्ति थोड़ी थोड़ी बदलती है। तो वो हमने सारा का सारा यहाँ पे लिख के देखा है, लता लते लताह। तो ये प्रथमा है, प्रथमा मतलब जब लता करता है, वो लता इज द डूअर, लता सब काम कर रही है, तब वो प्रथमा उपयोग होगी। द्वितीया में लताम लते लताह, तो यदि लताह उसका बहुवचन है, तो हम यदि बहु ज्यादा लताओं की बात कर रहे हैं, तो वयम लताह स्थापयामः, तो हम सब लताओं को लगा रहे हैं या रख रहे हैं। स्थापयामः मतलब स्थापित कर रहे हैं, लगा रहे हैं, रख रहे हैं। तो ये द्वितीया का उदाहरण था, और इस प्रकार हमने बाकी उदाहरण भी, जैसे लत, ये तृतीया है, तृतीया मतलब लता के द्वारा या उससे, तो थ्रू समबडी और थ्रू समथिंग। तो यहाँ पे जब थ्रू वाला उपयोग करना है हमको, तब हम तृतीया का उपयोग करते हैं, लतया लताभ्याम लताभिः, ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो जैसे आपको यहाँ पे दिखेगा, लताभ्याम शिला हरितवर्णम अस्ति, तो मतलब लताओं, इन दो लताओं के द्वारा या उनकी मदद से, उनकी सहायता से, शिला पत्थर हरितवर्णम अस्ति, हरे हरे रंग का दिख रहा है वो लताओं के कारण। और यहाँ पे हम लता भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी लताएं भी बोल सकते हैं कि बहुत सारी लताओं लताओं के कारण ये पत्थर जो है हरे
रंग का दिख रहा है, क्योंकि पत्थर के ऊपर यदि सिर्फ लताएं ही लताएं हैं तो वो हरे रंग का दिख सकता है। और तृतीया का एक और उदाहरण हमने लिया था लतया, ये एक वचन का उदाहरण है, लतया अहम वृक्षे आरोहामी। तो मतलब लता के द्वारा या लता की सहायता से अहम वृक्षे आरोहामी, मैं वृक्ष पर चढ़ता हूँ। तो अभी आप देख रहे हैं कि लता की सहायता से, लता को, लता ने, ये सब अलग अलग उपयोग हैं एक ही शब्द के, लता के ही उपयोग हैं, लेकिन उनका अलग अलग विभक्तियों में किस तरह से उपयोग होता है ये हम संस्कृत में देख रहे हैं। तो इन्हीं को यदि आप अंग्रेजी भाषा में यदि सोचेंगे तो ये जो आर्टिकल्स होते हैं इन, ऑन, ऑफ, एट, विथ, फ्रॉम, यही सब है, इन्हीं के अलग अलग उपयोग हैं सीधे संस्कृत शब्दों में। तो इंग्लिश में हम क्या करते हैं कि ये अलग से शब्द लगा देते हैं, संस्कृत में यह होता है कि सीधे उसी शब्द में विभक्ति बदल जाती है, तो हम अलग से कोई शब्द नहीं लगा रहे, सेम उसी शब्द में थोड़ा सा बदलाव किया तो ये उपयोग अपने आप हो जाता है। ठीक है, तो अब हम पिछली बार जैसा हमने सोचा था कि अब हम अकारांत पुल्लिंग जो कि यहाँ इस पृष्ठ पे है अभी, हाँ ये बालकः रामः, अकारांत पुल्लिंग और आकारांत स्त्रीलिंग, इन दोनों में तुलना करेंगे कि दोनों में अंतर क्या है और दोनों में समानता क्या है, क्योंकि मैंने जिस जैसे आपको पिछली बार भी बताया था कि दोनों में काफी समानता भी है, तो वो समानता और अंतर कैसे याद रहे, क्योंकि ये थोड़ा बहुत धीरे धीरे जैसे आदत अभ्यास होता है तो हमको याद भी होने लगता है, पर शुरुआत के लिए वो अंतर और समानताएं पता हो तो और अच्छे से आराम से याद हो जाता है। तो अब हम इन दोनों को आजू बाजू रखते हैं, तो आजू बाजू कैसे रखेंगे, तो ये अकारांत पुल्लिंग है, मैं इसको उठा रहा हूं पहले, और बाजू में आकारांत स्त्रीलिंग जो अभी अभी हमने किया लता। आकारांत स्त्रीलिंग ऊपर और भी उदाहरण लिखे हुए हैं जैसे रमा, कला, मोहा, मोहा जी हमारे मीटिंग में भी हैं साथ में, तो अब हम इसकी भी एक कॉपी ले लेते हैं और दोनों को आजू बाजू रखेंगे तब समझेगा कि अंतर क्या है। अंतर भी और समानता भी दोनों पता चलेंगे। आकारांत स्त्रीलिंग, हाँ अब दोनों आ गए आजू बाजू।
अब इनको लेके यहाँ पे चिपका लेते हैं अपने प्रेजेंटेशन में, यहाँ पे लगाते हैं ताकि दोनों दिखेंगे। आपको स्क्रीन दिख रहा है मोहा जी, अभिलाष जी? हाँ दिख रहा है सर। ठीक है, तो अब देखिए कि इन दोनों में अंतर हम कैसे समझें और समानता कैसे समझें। तो एक मिनट, ये रंग बदलता हूं मैं, तो थोड़ा सा अंतर बनाता हूँ पहले। ये यहाँ से अलग अलग हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे अकारांत पुल्लिंग है और दाई तरफ अकारांत स्त्रीलिंग। हमें लिखने आजू बाजू दोनों को। मोहा जी आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, एक बार फिर से बोल। लिखने इस प्रकार। हाँ हाँ लिख सकते हैं, आजू बाजू लिखना चाहते हैं तो हाँ वैसे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए एक बार, नहीं तो समझ लेते हैं और फिर साथ में आप लिखते जाइए, आपको जैसा मन हो, मतलब पहले लिख लीजिए फिर समझ लीजिए। मेरे ख्याल से एक बार समझ लीजिए फिर साथ फिर लिखेंगे ना, मैं एक 2-3 मिनट दे दूंगा तब आप आराम से लिख लीजिएगा, पर एक बार समझ लेंगे तो लिखने के समय भी वो चीजें ध्यान में आएंगी कि अच्छा ऐसा तो हो रहा है, सही बात है। ठीक है, तो एक प्रथमा को लेते हैं पहले, प्रथमा में रामह रामौ रामाह, ठीक है। तो अब जहां जहां पे एक जैसा है, काफी मिलता जुलता है, वहां पे मैं ये कोई कलर जो नहीं यूज किया है इसको करते हैं, हरा उपयोग करके देखते हैं, जहां जहां काफी मिलता जुलता है। तो आपको ये दिखेगा कि एक वचन में हमने रामह और लता, ये दोनों उस उन शब्दों के जो मूल रूप हैं वैसे ही के वैसे उपयोग होते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं आता, तो ये दोनों में समानता है, चाहे वो अकारांत पुल्लिंग हो चाहे अकारांत आकारांत स्त्रीलिंग हो। अब बहुवचन में भी दोनों में बहुत समानता है, रामाह और लताह, ठीक है। तो जिस शब्द में पहले से आ की मात्रा लगी हुई थी जो कि लता है, उसमें सिर्फ विसर्ग लगा बहुवचन के लिए, और राम शब्द में आ की मात्रा भी लगी और विसर्ग भी लगा, तो अकारांत और आकारांत जो है बहुवचन में दोनों एक जैसे सुनाई आते हैं, रामाह लताह उपयोग के समय। द्वितीय में एक वचन जो है दोनों में बिल्कुल एक जैसा है, जो मूल शब्द है उसी में बस अंत में म लगा दिया, तो रामम बालम लताम, तो जो भी मूल शब्द था लता उसमें म लगा दिया, यहाँ पे मूल शब्द था राम उसमें म लगा दिया, तो रामम लताम। तो ये दोनों भी बिल्कुल मिलते जुलते हैं उपयोग में द्वितीय विभक्ति में, ठीक है। द्वितीय में प्रथमा और द्वितीय आप ये देखेंगे कि आकारांत में दोनों एक जैसे होते हैं, और आकारांत में भी वही है कि आपस में एक जैसे होते हैं, पर अकारांत और आकारांत में एक जैसा नहीं होता, अकारांत के अंदर ही अंदर रामौ रामौ, प्रथमा में भी रामौ है और द्वितीय में भी रामौ है, उसी प्रकार आकारांत में लते लते, दोनों द्विवचन प्रथमा और द्वितीय में एक जैसे हैं, बिल्कुल वैसे ही बहुवचन पे भी है, दोनों एक जैसे हैं। तो इसको मैं अब नीचे रेखा नहीं खींचूंगा, क्योंकि हम जहां जहां रेखा खींच रहे हैं वो आकारांत और अकारांत में जहां जहां समानताएं हैं या जहां जहां रिलेशंस जैसा लगता है कि लगभग एक जैसा है वहां वहां पे कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं तृतीया चतुर्थी और पंचमी, तीनों को एक साथ। तो तृतीया में रामेण है एक वचन में और लता में लतया है, तो ये बिल्कुल अलग है,
इसमें कोई समानता नहीं है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। और सिर्फ एक चीज है कि आप ये देख सकते हैं कि तृतीय चतुर्थी पंचमी आकारांत स्त्रीलिंग में तीनों में या यही या मतलब जो य के कुछ ना कुछ अलग अलग मात्राएं उपयोग हो रही हैं, या यही या जो कि बिल्कुल अलग है, जो अकारांत पुल्लिंग में वैसा होता ही नहीं। अकारांत पुल्लिंग में रामेण था, रामाय था और रामात था एक वचन में, तो इसमें कोई समानता नहीं है। लेकिन द्विवचन में समानता है, द्विवचन में रामाभ्याम 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 तीनों तृतीय चतुर्थी पंचमी तीनों में एक जैसा है। बिल्कुल वैसा ही लता में भी है, लताभ्याम लताभ्याम लताभ्याम, ये बिल्कुल ही एक जैसे हैं तीनों के तीनों, तो ये भी समान है। अकारांत और आकारांत स्त्रीलिंग में, अकारांत पुल्लिंग और आकारांत स्त्रीलिंग में। अब तृतीय की जो बहुवचन है आकारांत स्त्रीलिंग में, इसमें लता भी है और अकारांत पुल्लिंग में रामैः बालैः, तो इनमें कोई समानता नहीं है, सिर्फ केवल विसर्ग की समानता है, बाकी शब्द में कोई समानता नहीं है। दोनों को अलग अलग तरह से बनाया गया है, लताभिः स्त्रीलिंग के लिए और रामैः या बालैः वृक्षैः इस तरह के पुल्लिंग वाले शब्दों के लिए है। लेकिन चतुर्थी और पंचमी फिर से काफी समान है, बिल्कुल समान नहीं है पर थोड़े समान है। रामेभ्यः रामेभ्यः, ये चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन है, यदि जहां पे मैं रेखा कर रहा हूं वहां पे आप देख रहे हैं। और उसी तरह आकारांत स्त्रीलिंग में लताभ्यः लताभ्यः, तो अंतर सिर्फ थोड़ा सा है कि यहाँ पे आ की मात्रा लग रही है लताभ्यः में और राम या बालक में, मतलब जो अकारांत पुल्लिंग है उसमें ए की मात्रा लग रही है, रामेभ्यः बालेभ्यः ये वाली मात्रा है ए की मात्रा, और यहाँ पे आ की मात्रा है, सिर्फ उतना अंतर है, बाकी अंत में वो भ्यः जो है दोनों में लगा हुआ है। तो ये चतुर्थी पंचमी की समानताएं हैं। अब हम आगे आते हैं षष्ठी पे। षष्ठी विभक्ति मतलब षष्ठी जिसको हम का के की के लिए उपयोग करते हैं। षष्ठी अकारांत में बिल्कुल अलग है, रामस्य बालस्य और लता के लिए जो पंचमी में था वही षष्ठी में है लतायाः, तो इसमें कोई समानता नहीं है पुल्लिंग के साथ, अकारांत पुल्लिंग के साथ, तो इसमें कुछ भी समानता नहीं है। और षष्ठी सप्तमी में लतयोह लतयोह जो द्विवचन है वो दोनों एक जैसे हैं, पर वो आपको सिर्फ सप्तमी में एक जैसा मिलेगा बालक के, मतलब अकारांत में, जिसमें हम कहते हैं कि राम में या राम पर, बालक में या बालक पर, लता में या लता पर, तो ये सप्तमी में एक जैसा है, सप्तमी हैज सिमिलैरिटीज ऑन द्विवचन ऑफ द विभक्ति, ठीक है। लेकिन एक वचन अलग है, बिल्कुल अलग है, षष्ठी और सप्तमी दोनों लतायाः और लतायाम, इसका उपयोग काफी होता है, लतायाम का उपयोग बहुत होता है, क्योंकि लता में लता पर इस जो स्त्रीलिंग शब्द का एक वचन में उपयोग बहुत होता है, और षष्ठी का भी उपयोग बहुत होता है, और द्वितीय का भी उपयोग बहुत होता है। तो ये जहां जहां मैंने ये ब्रैकेट जैसे बनाए हैं ये उपयोगी काफी हैं, उपयोगी मतलब उनको स्मरण करने का याद करने का काफी लाभ है, क्योंकि उनका उपयोग अधिक है तो वो ज्यादा जल्दी ज्यादा शीघ्रता से आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। और बहुवचन में समानता है, बिल्कुल समानता है,
षष्ठी में रामा नाम बाला नाम ये षष्ठी है, और लता की षष्ठी भी बिल्कुल वैसी ही है, लता नाम, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। राम के उपयोग में सिर्फ एक अंतर है कि क्योंकि उस शब्द में र है, और ये एक अलग नियम है, जहां पे भी र श और उष्ण श, ये तालव्य श होता है और ये कंठव्य श है, तो ये आते हैं वहां पे, हम जो भी न वाले उच्चारण है वो अण बन जाते हैं, बाकी सब जगह वो न रहता है। तो रामा अणाम, ये अण होगा और ये हमको पीछे जाके भी सही करना पड़ेगा, रामा अणाम। तो ये बिल्कुल ही एक जैसा है जो षष्ठी का बहुवचन है, जैसा हमने और भी कई उनमें देखा, वो षष्ठी का बहुवचन बिल्कुल एक जैसा है, और षष्ठी का सप्तमी का बहुवचन आचार्य महोदय रामानाम बालानाम दोनों जगह वही होगा? नहीं, बाला में र श श नहीं है ना, र श और श जहां पे आया मूल शब्द में उधर वो बदलेगा अण में, जहां पे तो रामा राम में र है इसलिए हमने रामाणाम किया, लेकिन बालक में या बाल शब्द में वो र श श कहीं भी नहीं आ रहे, तो इसलिए वहां पे अण नहीं होगा, वहां न ही रहेगा। जैसे वृक्ष, तो वृक्ष में र आता है तो वृक्षाणाम, वृक्षानाम नहीं होता, वृक्षाणाम होता है क्योंकि उसमें र का ध्वनि है, र की ध्वनि। मुआ जी आपकी आवाज धीरे आ रही है, फिर से बोलिए। याद रखना बड़ा कठिन लगता है, याद रखना कठिन लगता है, देख के समझ में आएगा, जैसे आप बोलते बोलते हमको ये चीजें अभ्यास से होती हैं, तो जब हम कोई भी विभक्ति या शब्द बोल रहे हैं तो बोलते समय यदि हमने बोला वृक्षा नाम, तो आपको बोलते समय थोड़ा सा लग सकता है कि वृक्ष में र का आवाज है, तो हमको इसको वृक्षाणाम करना पड़ेगा, तो ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ये उपयोग से ही आएगा, क्योंकि वो जैसे जैसे हम अभ्यास करते जाते हैं ना, कुछ कुछ चीजें हैं जो जैसे ही हमको गलत सुनाई आएंगी हमको लगता है कि अरे ये कैसे हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता, तो वो सुन के आपको लगेगा। और अभिलाष जी का एक प्रश्न दिख रहा है मुझे, अभिलाष जी शिला का अर्थ जो हमने अभी लिया था एक वाक्य में, शिला अर्थ मतलब पत्थर, कोई भी चट्टान, रॉक। सर मुझे और एक डाउट है सर। हाँ बोलिए। राम के ऊपर मैं कहना चाहता हूँ, तो राम से ऊपरी कहना है या राम में कहना सर? राम से ऊपरी ज्यादा सही है, राम के ऊपर यदि आप बोलेंगे तो हाँ राम के ऊपर। देखो राम के, आपका वाक्य क्या है, कैसे बोलना है आपको? मतलब ऊपरी बोलने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि यदि आप रामे उपयोग कर रहे हैं तो रामे का हाँ। मतलब ही है कि राम पर या राम में, तो ऊपरी हाँ। की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन यदि आप रामस्य उपयोग करेंगे तब फिर ऊपरी अलग से बोलना पड़ेगा, रामस्य ऊपरी मतलब राम के ऊपर, लेकिन रामे बोला तो राम के ऊपर ऑलरेडी अंडरस्टूड है, तो वो अलग से ऊपरी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब सेंटेंस को थोड़ा कम करने के लिए रामे कहना है सर, पर ये हमेशा अप्लाई नहीं होगा, तो ये आपको उपयोग के अनुसार खुद ही निर्णय लेना पड़ेगा। जैसे आपको बोलना है कि राम जी के ऊपर ऊपर या राम जी के सिर के मुख के ऊपर मुकुट है, ठीक है मुकुट है, या हम ऐसे बोलना चाहते हैं कि सूर्य है, राम जी के सिर के ऊपर सूर्य है, तो आप बोलेंगे रामस्य मुखे, क्योंकि अब मुख के ऊपर बोलना है, राम के ऊपर नहीं बोलना, नहीं तो हम सीधे रामे भी बोल सकते हैं, राम के ऊपर रामे
सूर्य अस्ति, तो अब इसका अर्थ है राम के ऊपर सूर्य है। सूर्य इसी को दूसरी तरह से भी बोल सकते कि रामस्य मुखे सूर्य अस्ति, तो अब हो गया इसका अर्थ कि राम के मुख के ऊपर सूर्य है। तो रामस्य ऊपर ही सूर्य सूर्य अस्ति, इसका हाँ। मतलब सेम है ना सर? हाँ सेम है, और रामे सूर्य अस्ति वो भी चलेगा, वो भी सेम है। और एक डाउट सर, आपने जो कहा सर राशा ओशा, जब भी वो शब्द में वो लेटर्स होते हैं तब अन्ना अन्ना आते हैं, ऐसा बोला ना सर? तो हाँ, वो लेटर्स शब्द है। के वो लेटर्स शब्द के फर्स्ट लेटर होने चाहिए या जो कुछ भी होने चाहिए? कहीं तो, भी कहीं जो भी कुछ भी होने चाहिए कहीं भी, जैसे हाँ, वृक्ष में भी होता है, तो वृक्ष में र का साउंड है राइट, र की ध्वनि है, उसमें भी वही होता है वृक्षाणाम। और शा शा की साउंड भी है सर, क्षा। हाँ वृक्ष में तो डबल है, वो दोनों साउंड है, पर जहां पे भी आपको वो साउंड आया र श या श का, तब वो न की जगह ण हो जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है सर, जो वो अप्लाई होगा यहाँ पे भी, तृतीया में भी होता है, तृतीया में भी आपको दिख रहा है, देखिए रामेण है लेकिन बालेन है, ठीक है, तो यहाँ पे अब लगता है तृतीया में और षष्ठी में, जहां पे भी वो न का उच्चारण आ रहा है उधर वो काम में आएगा। हाँ ओके सर। और अभी अंत में मैं जो बता रहा था वो सप्तमी में बहुवचन, ये बहुत मिलता जुलता है, रामेशु बालेशु ये जो है, और यहाँ पे आप आकारांत स्त्रीलिंग में देखेंगे तो लतासु, तो थोड़ा सा ही अंतर है, सिर्फ सु और शु का अंतर है, बाकी दोनों मिलते, और आ की मात्रा है इसमें लता में, जो और जो मूल शब्द था लता वैसा वैसा का वैसा ही है, और उसमें सु अंत में लगा दिया है, और यहाँ पे ए की मात्रा लगी है और शु लगा है, तो थोड़ा मिलता, थोड़ी समानता है, बिल्कुल समान नहीं है पर थोड़ी समानता है। तो अब मोहा जी और अभिलाष जी आपको समझा ये समानताएं और थोड़े से अंतर दोनों विभक्तियों में, और अष्टमी जो है संबोधन अंतिम विभक्ति, वो तीनों की बिल्कुल दोनों की एक जैसी, एक जैसी मतलब जो उनकी प्रथमा में था वही उनके अष्टमी में है, हे राम हे रामौ हे रामा हे लता हे लते हे लता, तो ये इनके स्वयं के प्रथमा जैसा है, ये आपस में कोई मेल नहीं है पर अपने अपने प्रथमा की जैसा है, सिर्फ आगे हे लग गया है। तो अब आप लिख सकते हैं, अब मैं आपको दो तीन मिनट का समय ले लीजिए, अब आप नोट कर रहे हैं तो नोट करना चाहते हैं, आजू बाजू लिखना है तो उसको लिख सकते हैं। मैं 2 मिनट रुक जाता हूँ, आप कर लीजिए, मैं म्यूट पे जाता हूँ 2 मिनट।
हेलो आचार्य, हेलो। हाँ विलास जी बोलिए। सर आनयामी का मतलब लाना लाना है सर। हाँ आनयामी का मतलब क्या होता है? किधर दिख रहा है आपको? सर मैं डाउट पूछने के लिए वो शब्द यूज कर रहा हूँ सर, इसीलिए। अच्छा, करेक्ट अच्छा या नहीं? हाँ, तो नया सर शब्द है, नया मतलब ले जाना, टेक। टेक ठीक है, इसीलिए आनय मतलब लेकर आना, आनय ब्रिंग। लेकर आना। नमो नमः अभिलाष जी। नमो नमः। दिस इज ब्रिंग, लेकर आना। मतलब इसी का हम जब आमी, नयामी या आनयामी बोलेंगे तो मतलब मैं लेके आ रहा हूँ, आई एम ब्रिंगिंग समथिंग। ये जो आमी वाला उपयोग है ये आपको पता है ना, ये हमने पिछली बार बात की थी। हाँ सर। हाँ उत्तम पुरुष एक वचन, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ जो बोलना चाहते हैं तब यूज करते हैं। सर मेरा डाउट ये है कि अहम रामाभ्याम कलम आनयामि, जब भी ये सेंटेंस जो सुनते हैं दूसरे वाले क्या समझ लेते सर, मैं राम के द्वारा कलम लेकर आ रहा हूँ या राम के लिए कलम लेकर आ रहा हूँ? राम के लिए, तो वो तीनों में एक जैसा है, तो आपको वो उपयोग के अनुसार उसका अर्थ बनाना पड़ेगा। तो जैसे यदि मैंने बोला अहम रामा, आपने बोला जैसे अहम रामाभ्याम ये अहम कलम आने, हाँ कल मम आनयामी, तो ये तो हो गया राम के लिए, राम के लिए ठीक है। लेकिन यदि आपको राम के द्वारा कुछ करना होता तो फिर आप वाक्य में कुछ और करेंगे, जैसे अहम रामाभ्याम मैं राम के द्वारा आशीर्वाद पाता हूँ, तो अहम रामाभ्याम आशीर्वादम आशीर्वादम या आशीषम, आशीर्वाद नहीं आशीषम गृहणामी, तो गृहणामी मतलब मैं ग्रहण करता हूँ राम से, तो तब के लिए नहीं बोल सकते क्योंकि वाक्य में अपने आप हो गया ना कि आप आशीष ग्रहण कर रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब राम के द्वारा बोलना पड़ेगा। यहाँ पे चतुर्थी नहीं उपयोग हो रही, तृतीय उपयोग हो रही है, तो वाक्य पे निर्भर करता है। अच्छा तो कुछ वाक्यों में अंडरस्टैंडिंग का थोड़ा अर्थ का थोड़ा बदल हो जाता है ना सर, बदल सकता है यदि हम कई वाक्य ऐसे हो सकते हैं जिसमें एक ही वाक्य में मल्टीपल अर्थ निकल सकते हैं, तो यदि ऐसा कोई वाक्य आएगा तो हम फिर उसकी चर्चा, उसकी बात कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। रामाभ्याम आशीषम, नमो नमः महोदय। नमो नमः आचार्य महोदय। गृहणामि, तो अब यहाँ पे रामाभ्याम जो है सेम वही शब्द, पर इसका उपयोग जो है अब ये तृतीय हो गई, तो अब क्योंकि राम के द्वारा, इसी प्रकार यदि आप पंचमी कोशिश करते हैं तो पंचमी में से होता है, और ये से जो है ये अलग होने वाला, सेपरेशन वाला से है, ये तृतीय वाला से नहीं है, ठीक है। तो अहम रामाभ्याम रामाभ्याम
से अलग होना थोड़ा मुश्किल है, कोई और शब्द में उपयोग कर सकते हैं। अच्छा ठीक है सर। तो मोहा महोदय आपको भी समझा ना इन्होंने, अभिलाष जी ने क्या पूछा था अभी, आपने सुना क्या? जी आचार्य महोदय। अच्छा प्रश्न है कि एक ही शब्द को हम, क्योंकि अलग अलग विभक्ति में भी वही शब्द उपयोग होता है, तो उसको अलग अलग समझेंगे कैसे, तो वो वाक्य के अनुसार समझना पड़ता है। जी और अभी तो हम लिखा हुआ जो पहले से है उसको समझ रहे हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तब तो हम अपने वाक्य, अपने वक्तव्य खुद से बनाने लगेंगे, तब आपको और अच्छे से और अभ्यास होगा, क्योंकि तब आपको समझ में आने लगेगा कि अलग अलग जगह पे कैसे उपयोग करना है। पर अच्छा है संस्कृत सीख के, क्योंकि हमारे उपनिषदों में और भी महाकाव्यों में रामायण है, महाभारत है, गीता है, तो सभी में संस्कृत का उपयोग है, तो हमको जहां भी फिर पढ़ने मिलता है, तो अब हम धीरे धीरे ऐसे जगहों पे जाएंगे जहां हम उनका भी अर्थ लगा सकते हैं, उनका श्लोकों का और अर्थ लगाना संभव हो जाता है। तो आज मैं आपको, अभी कितना समय बचा है, ठीक है अभी तो समय है लगभग 15 मिनट 20 मिनट, पंच अष्ट सार्ध अष्ट वादने समाप्तम करोमि, तब तक हम चलते हैं। एक सेकेंड, तो अगले पृष्ठ पे लेते हैं उस श्लोक को, एक पृष्ठ और बनाना होगा। तो शायद मैंने आपको बताया था कि अभी हमारी एक उपनिषदों की अध्ययन की कक्षा चालू हुई है कुछ दिनों पहले, और वो पूरा 1 महीना चलने वाली है, 1 मंथ तक चलने वाली है। तो उसमें कुछ अच्छे अच्छे श्लोक आ रहे हैं, कुछ अच्छी अच्छी चीजें आ रही हैं, तो मैंने बताया था पिछली बार कि हम कभी कभी उसकी भी चर्चा कर लेंगे यहाँ पे इस कक्षा में। तो बड़ा आनंद का विषय है उपनिषद, क्योंकि उपनिषदों में जो है सारे वेदों का सार है। तो यदि आपको ऐसा पता चला हो, पता होगा शायद, और नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि पूरी विश्व के लगभग हर विषय में, विज्ञान हो, गणित हो, ज्योतिष शास्त्र है, कोई भी विषय ले लीजिए, हर लगभग हर विषय का एक्सपर्टीज, उसमें बिल्कुल महारत हासिल की हुई थी हमारे पुराने समय में ऋषि मुनियों ने। और ये दिस इज मोर देन 17,000 ईयर्स ओल्ड, तो अराउंड 15,000 17,000 BCE जो है उसकी बात है। तो वेदों में, क्योंकि सब चीजों का सार है और वेद काफी बड़े हैं, बहुत व्यापक हैं, उन उन और उनकी भाषा जो है, उनकी संस्कृत जो है, सब कुछ संस्कृत में है, और जटिल भी लग सकती है किसी किसी को। तो वेदों को बनाते समय क्या किया गया कि वेद, हर वेद का सार उसके उपनिषदों में भी डाल दिया गया। तो जैसे एक बड़ी सी पुस्तक बनाई और उसका समरी एक उपनिषद में डाल दिया, फिर एक और बनाई उसकी सारांश फिर एक छोटे से उपनिषद में डाल दिया। तो उपनिषदों का ये लाभ है कि यदि हमने उपनिषदों को समझ लिया तो वेदों का सार भी समझ में आ जाएगा, और वो बहुत गहरी बातें हैं। तो बहुत ही लाभदायक चीज है उपनिषदों को जानना, और यदि किसी को उपनिषदों को जानने का मन है तो शुरुआत आप स्वामी विवेकानंद ने जो भी लिखा हुआ है उससे कर सकते हैं, और वो भी काफी बड़ा काम है, तो उससे यदि शुरुआत करेंगे तो वैसे ही मजा आ जाएगा, और बाद में फिर आप उपनिषदों पे, सीधे उपनिषदों पे भी आ सकते हैं, जो अभी मैं कर रहा हूं। मैं स्वामी विवेकानंद को काफी पढ़ चुका हूं पहले, और उसके लिए एक बहुत अच्छा, बहुत आसान सोर्स है, द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। तो ये तो स्वामी विवेकानंद ने खुद ही उसको
उनके शिष्यों ने, उनके जो साथ वाले लोग थे, उन्होंने पूरा कंपाइल किया है, पूरा बनाया है उनके शिकागो के और भी बहुत जगहों के, लंदन और भारत में बहुत सारे जहाँ पे भी वक्तव्य हुए थे, लेक्चर्स हुए थे, तो उन सबको कंपाइल करके करके निकाला है। तो इसमें सब कुछ है। यदि कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद आपने पढ़ लिया, और तो उपनिषदों के बारे में काफी कुछ समझ में आ जाएगा, पता चल जाएगा। तो अभी मैं वो श्लोक बताता हूँ सबसे पहले जो मुझे ध्यान में आया, और शायद आपने ये श्लोक पहले भी सुना होगा, क्योंकि पहले मैं लिख के बताता हूँ, फिर देखते हैं आपको किसी को कुछ ध्यान आता है क्या, बताना। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्या भी हितं मुखं त्वं पोषन् न पावृणु। और फिर मैं इसका अर्थ बताता हूं, एक बार पूरा लिख लूं। तत्त्वं पोषन् न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। सुना है किसी ने या पढ़ा है किसी ने? नहीं आचार्य महोदय। अच्छा, और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे संधि कर देता हूँ, तो शायद देखने में और ज्यादा आसान होगा। त्वं पोषन अपावरणु, इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों को कंबाइन करके भी, मिला के भी लिख सकते हैं। तो तत्त्वं पोषन अपावरणु सत्य धर्माय दृष्टये। तो यदि आप, और उपनिषदों को जानने का एक और बहुत आसान तरीका भी है, तो जो मैंने अभी तक बताए थे वो थोड़े लंबे तरीके हैं, लंबे उपाय हैं जिसमें समय लगेगा, वो आप कभी ना कभी तो करेंगे तो बहुत आनंद आएगा, स्वामी विवेकानंद को पढ़ के उपनिषदों के बारे में जानना। लेकिन उसका एक सरल उपाय है, उपनिषद गंगा नाम का एक धारावाहिक डीडी मेट्रो और डीडी नेशनल पे आता था, और उसके सारे के सारे एपिसोड्स जो हैं उस वो सब आपको यूट्यूब पे मिल जाते हैं, और भी कई जगह मिल जाते हैं, उपनिषद गंगा। चैनल है उपनिषद गंगा का, स्वयं का चैनल भी है। हाँ, तो डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जिन्होंने चाणक्य बनाया था, उन्होंने ही ये बनाया है। तो बहुत अभूतपूर्व, अद्भुत निर्देशन है, अद्भुत एक्टिंग है, मतलब सब सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बढ़िया बनाया है। तो इसमें ही आपको उपनिषदों का सारांश जो है मिल जाएगा, और छोटी छोटी कहानियां हैं, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं। तो उपनिषदों का यही लाभ है कि छोटी छोटी कहानियों की सहायता से बहुत बड़े बड़े गहरे सिद्धांत जो हैं धरती के, मनुष्य के जीवन के, वो बताए हैं। तो इससे बहुत कुछ आनंद आएगा। ये सरल उपाय है, क्योंकि ये वीडियो फॉर्म में है, हम लोग आजकल वीडियो जल्दी समझ भी लेते हैं, जल्दी जल्दी हो भी जाता है। तो ये जो श्लोक है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्या अभिहितं मुखम्, तो ये जो पात्र है, यहाँ पे पात्र की बात हुई है, ये हमारे आत्मा के लिए बात हो रही है। हिरण्मयेन पात्रेण, तो हिरण्मयी का अर्थ होता है स्वर्णिम, सोने जैसा, स्वर्ण के रंग जैसा दिखने वाला। तो हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अभिहितं मुखम्, मतलब हमारे शरीर के ऊपर
शरीर के ऊपर नहीं, आत्मा के ऊपर। शरीर का जो कवच है, शरीर ने आत्मा को ढका हुआ है, तो बाहर से ऐसा लगता है जैसे शरीर है, तो ये, और ये शरीर बड़ा हिरणमयी है, मतलब बड़ा स्वर्णिम है, सुंदर दिखता है। अलग अलग तरह से लोग इसकी व्याख्या करते हैं, तो शरीर बड़ा भ्रामक भी है, शरीर सुंदर भी दिखता है, लेकिन असली चीज जो है वो आत्मा है। तो हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अभिहितं मुखम्, तो आत्मा के मुख के ऊपर हिरण्मयी शरीर, जो स्वर्ण जैसा दिखने वाला और सुंदर दिखने वाला शरीर, ये इससे ढका हुआ है आत्मा जो है। ठीक है, ये पहली पंक्ति का अर्थ है। और दूसरी पंक्ति में ये जो पूषण है, पूषण, यदि आप कभी सूर्य नमस्कार करते हैं तो सूर्य नमस्कार के साथ में मंत्र भी बोले जाते हैं, जैसे ओम रवये नमः, भानवे नमः, आदित्याय नमः, सूर्याय नमः, खगाय नमः, मयूराय नमः। तो सूर्य के अलग अलग नाम है, बहुत नाम होते हैं, बहुत सारे नाम हैं, और उनमें से एक नाम पूषण भी है, पूषणाय नमः भी बोलते हैं। तो पूषण जो नाम है सूर्य का, यहाँ पे भी सूर्य देवता की ही बात हो रही है, कि जिस आत्मा के ऊपर शरीर ढका हुआ है, बहुत सुंदर दिखने वाला शरीर ने आत्मा के सत्य को ढका हुआ है, कि अंदर तो मुख्य जो है हमारे शरीर में वो तो आत्मा है, शरीर तो सिर्फ एक कपड़ा जैसा है ऊपर रखा हुआ है। तो हम सूर्य देवता से आह आह्वान कर रहे हैं, या कह रहे हैं कि सूर्य के समान, जैसे सूर्य जहां पे भी सूर्य की किरण पड़ती है वो वहां पे अंधकार को हटा देता है, तो यहाँ पे तत्त्वम पूषण नपावरणु, मतलब ये जो आवरण है शरीर का, इसको अनावरण कर दो, मतलब हटा दो। सूर्य की तरह वहां पे यदि आप प्रकाशवान कर देंगे तो सत्य धर्माय दृष्टाय, तो जो हमारी आत्मा है वो नजर आ जाएगी। तो मतलब शरीर रूपी जो भ्रम है कि ये मैं जो हूं, मैं सिर्फ एक शरीर हूं, ऐसा किसी किसी को लग सकता है, तो ये शरीर कुछ भी नहीं है, आत्मा ही अंदर है। तो सूर्य के तरह से उसका आवरण को हटा के अंदर का सत्य जो है आत्मा, वो दिख जाए, ये इस श्लोक का अर्थ है। आप क्या कहना चाह रहे हैं, सूर्य की तरह हटाए या मतलब जैसे बादल सूर्य से हटता है तो सूर्य नजर आता है, ऐसे कहा जा रहा है या कंटेक्स्ट नहीं समझ पाई मैं थोड़ा। नहीं, सूर्य की तरह नहीं, हम सिर्फ ऐसा कर रहे हैं, सूर्य का आह्वान कर रहे हैं कि हे सूर्य देव, उस शरीर को या उस आवरण को, जो शरीर रूपी आवरण है, उसको हटा के हमको सत्य धर्म की अच्छा दृष्टि दिखाइए, मतलब आत्मा जो है वो तो अंदर है ना। तो जैसे हम बोलते हैं ना, आई एम नॉट द बॉडी, जी तो ये उसी को हम इस श्लोक में समझ रहे हैं कि मैं शरीर नहीं हूं। तो शरीर जो ढका हुआ है आत्मा के ऊपर, उसको किसी तरह सूर्य से हम कह रहे हैं, सूर्य से कह रहे हैं, या समझ लो एक देवता जो बहुत मेजर देवता है, उनसे कह रहे हैं कि भैया, ये शरीर का आवरण हटा के हमको आत्मा के दर्शन, जो आत्मा का सत्य है, उसके दर्शन करा दीजिए। तो ये श्लोक जो है ईशावास्य उपनिषद का है, 10 उपनिषद हैं, कुल मिला के 108 हैं। लेकिन उनमें से 10 उपनिषद मुख्य उपनिषदों में आते हैं, और उन्हीं की अभी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो ईशावास्य उपनिषद जो है पहला मुख्य उपनिषद है, उसमें ये आता है। तो अच्छा, मुझे यहाँ पे ऐसे मुझे एक प्रश्न था कि अगर हम लोग कोई ऐसे श्लोक लिखते हैं तो ये जो पूर्ण विराम देते हैं पहले श्लोक में एक और दूसरे श्लोक में डबल,
हाँ श्लोक में मैंने, तो ये क्यों किया जाता है, ये अर्ध विराम की तरह लिया जाता है या क्या लिया जाता है, मतलब एक सिंगल लाइन और डबल लाइन? हाँ वो अर्धविराम ही है, पर क्यों किया जाता है ये तो मुझे भी पता लगाना, मतलब पता लगाना इन द सेंस कि जैसे संस्कृत भारती या राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में कोई बता सके कि इनका कोई विशेष महत्व है। हमारे इस अनुसार तो ये अर्धविराम की तरह उपयोगी हैं, मतलब एक श्लोक में दो पंक्तियां अधिकतर होती ही हैं, तो कहाँ पे वो खत्म होता है और कहाँ पे एक लिमिटेड, मतलब एक हाफ थॉट हुआ है कि यहाँ तक अभी थोड़ा हुआ है और फिर अगली पंक्ति में ये पूरा हो जाएगा, तो मोस्टली वो अर्धविराम ही है। पर हम कोशिश करेंगे कि संस्कृत भारती या कहीं किसी आचार्य से हम पता लगाएं, हो सकता है हमारे उपनिषद वाले आचार्यों में से भी कोई बता पाए, मैं चर्चा करके देखूंगा। अच्छा है आपने बता दिया। तो और एक और बिल्कुल चीज है कि उपनिषद गंगा जब सीरियल चालू होता है या खत्म होता है तो उसमें भी ये वाला श्लोक आता है, तो इसलिए मुझे थोड़ा ज्यादा ध्यान में, क्योंकि जब अभी उपनिषद में आया 2-3 दिन पहले तो ये मैंने सुना हुआ था, मैं चाहता था कि इसको याद करूं, थोड़ा थोड़ा मुझे ध्यान में स्मरण था, पर उस दिन जब दिखा तब मैंने उसको अच्छे से स्मरण किया और सोचा कि इस बार कक्षा में भी हम उसको लेके आ जाएंगे। तो ये गीत के एक पूरा स्वरों के साथ इसको गाया जाता है इस सीरियल, इस धारावाहिक में, उपनिषद गंगा में भी। आपने पिछले वर्ष देखा था दूरदर्शन पर जब आता था, मैंने हाँ वो पिछले जो वर्ष जितनी बार देखा आता है मैं हर बार देखता हूँ अद्भुत क्योंकि वो ही है पहले भी ना। आता था, उपनिषद गंगा मैंने 10 साल पहले भी देखा है और अभी जब आना चालू हुआ था पिछले वर्ष तब भी देखा है। बियॉन्ड वर्ड्स वो तो बहुत ही अच्छा हाँ लगा, मैंने तो और पहली बार ही चाणक्य देखा भी था। पूरा देखा, रामायण भी पूरा देखा, महाभारत भी पूरी देखी, तो मतलब ये सब तो ऐसी चीजें हैं जितनी बार देख लो। और सबसे बड़ी बात है कि उपनिषद गंगा उन्होंने ही बनाया है जिन्होंने चाणक्य बनाया है, और पात्र जी भी लगभग उसी तरह के, और जो पूरी सेटिंग्स हैं सेटअप्स हैं वो भी उसी तरह के हैं क्योंकि वो सेम डायरेक्टर हैं, तो वो परफेक्शन वाले डायरेक्टर हैं। आपको पता है कि चाणक्य में जिन जिन से उन्होंने काम करवाया उनमें से बहुत सारे कलाकारों से ये भी अनुरोध किया था कि चाणक्य में काम करने के बाद उसके बाद वो कभी कहीं और काम नहीं करेंगे और कर सकते ही ओ, नहीं, ये कैसे, ये क्यों? क्योंकि वो उसकी छवि है, मतलब जैसे आप चाणक्य हैं, जैसे चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी को खुद देख लो, वो चाणक्य बने, उसके बाद हाँ। वो कभी कहीं नहीं बने, कुछ नहीं बने। उन्होंने वो छवि बिठा कर भी रखी है हाँ लोगों के मन में, कुछ में। तो ये उन्होंने बताया था, अभी उनका एक साक्षात्कार आया था, अभी अभी आया था, लगभग 6-8 महीने पहले ही आया था किसी चैनल पे, तो उसमें उन्होंने बताया था कि क्योंकि वो, ये आपको YouTube पे भी मिल जाएगा, द मेकिंग ऑफ चाणक्य से रिलेटेड है कि वो कैसे चाणक्य के पीछे क्या क्या कहानियां हुई थी, कैसे कैसे हुआ था, तो उसमें है वो। आपने पिंजर नामक चलचित्र का नाम सुना है? मनोज पिंजर सुना हुआ तो लग रहा है। वाजपेयी एवं उर्मिला मातोंडकर अभिनीत, अच्छा हाँ, पिंजर। देखा भी होगा, वो भी डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी द्वारा निर्देशित है। ओहो तब तो देखना पड़ेगा, ये धन्यवाद नोहा जी। पार्टीशन पर आधारित है, विभाजन पर आधारित चलचित्र है हाँ, ठीक है बिल्कुल, और फिर बहुत देख। अच्छी है। मतलब जैसे उन्होंने जो खड़ा किया है, एक तो मानव मन का संवाद जो होता है, और जो मतलब एक पर्सनालिटी में एक स्प्लिट होती है, जो अंतर्द्वंद होता है, बहुत अच्छी मूवी अब डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने बनाया है तो फिर कोई प्रश्न की है। बात ही नहीं है, देखना ही पड़ेगा। पिंजर, पिंजर नाम, पिंजर, ठीक है आई वो। थिंक अमृता प्रीतम जी के पुस्तक पर आधारित बहुत बढ़िया। चलिए तो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
संख्याओं के बारे में आपने देख लिया है अभिलाष महोदय, या आप जानते हैं? हाँ सर, देखा संस्कृत सर। में संख्याएं, तो क्योंकि हाँ ये हाँ चीज हम बहुत पहले लगभग 4-5 महीने पहले कर चुके हैं, तो लेकिन अब हमारे उपयोग में धीरे धीरे वो आती रहती है, बीच बीच में आती रहेंगी, तो वो उसकी पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो यदि आपके बीच में और भी कोई ठीक है, प्रश्न आएंगे तो हम उसको ले लेंगे, कोई उसमें मुश्किल नहीं ठीक है। है सर। सर संख्याओं में भी ये लिंग लिंग भेद होते हैं सर संख्याओं में? हाँ, लिंग भेद होते हैं 4 तक, तो मतलब एकम द्वे त्रीणी त्रीनी चत्वारी, तो यहाँ चतुर्थी। तक हाँ लिंग भेद होते हैं। हाँ हाँ मतलब ये चार एकम तक। द्वे त्रीणी चत्वारी जो है, मैं नपुंसक लिंग के लिए बोल रहा हूँ। इसी को हाँ यदि हाँ आप पुल्लिंग के लिए बोलेंगे तो एकह द्वौ त्रयः चतस चत्वारः, ये पुल्लिंग है, हाँ और स्त्रीलिंग के लिए भी अलग है। तो लेकिन पंच के आगे फिर सब एक ही है, पंच सब शश एक। षट, वो सब एक ही है, उसमें फिर लिंग हाँ भेद नहीं है, पर 4 तक लिंग भेद होता है। ठीक है। और सर आप पहले का कोई भी आपने जो, वीडियो निकाल के देखेंगे, हमारे जो ग्रुप में हम डालते रहते हैं, आपको मिला क्या वो प्लेलिस्ट मिली होगी, जो पूरा फर्स्ट से हाँ जितना सर, स्टार्ट हुआ था तब से लेके आज तक के सारे वीडियोस उसी उस लिस्ट में हैं, पूरे के पूरे एक ही लिस्ट में हैं। तो वो आप हाँ चला सर के मैं देखता देखेंगे हूँ। तो आपको ये संख्या, उसमें हमने समय भी समय के बारे में भी बात की है, तो वो सब मिलेगा आपको। और समय के बारे में हम एक थोड़ी सी बात और भी करना चाहते थे, तो वो आज करेंगे। आप कुछ पूछ रहे हैं, आपका कोई प्रश्न है? हाँ प्रश्न है सर, आपने जो ये श्लोक लिखा हुआ ना सर, उसको कुछ गान में गीत गाए सर? तो गान तो वो उपनिषद गंगा का ही है, बिल्कुल वही का वही मैं गा के बताता हूँ, जो उपनिषद गंगा धारावाहिक में आता है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्याभिहितं मुखं तत्त्वं पूषन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये सत्यधर्माय दृष्टये, इस तरह से आता है वो। उसका जो कास्टिंग जब चलती है ना, जब वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर ये सब हाँ के नाम आते हैं, हाँ तो उसके अंत में ये श्लोक आता है। कास्टिंग जिस समय खत्म होती है, समाप्ति के समय ये श्लोक आता उसी राग में गाना है सर, और हम नया है। नया आप राग सोच तो कर बना सकते। सकते हैं खुद से, ये हाँ तो हाँ वो सीरियल वो धारावाहिक के लिए उन लोगों ने बनाया होगा, और अच्छा लगा मुझे वो राग, अच्छा लगता है। बाकी आप अपने अनुसार कुछ और भी बना सकते हैं। ठीक है ठीक है, तो अब मैं क्या बोल रहा था उस समय, हाँ, समय से जुड़ी हुई हमको थोड़ी सी और बातें करनी है। तो आपको दिनों के बारे में, जैसे हमको पता है सोमवासरः और वासरह और वारह दोनों उपयोग हो सकते हैं संस्कृत में, दोनों का उपयोग होता है, सोमवासरह या सोमवारह दोनों चलेगा। उसी तरह मंगलवासरह, बुध वासरह, गुरु शुक्र शनि और रवि। रवि को ही भानुवासरह भी कहते हैं, तो दोनों चलता है, रविवासरह या भानुवासरह। उसी प्रकार गुरुवासरह के लिए भी गुरु गुरु और बृहस्पति दोनों शब्द हैं, तो दो लोग अलग अलग उपयोग करते हैं, बृहस्पति वासरह भी चलेगा, गुरु वासरह भी चलता है। तो अद्य रवि वासरह, अस्तु वा, आम सम्यक वा।
अद्य रविवासरः। ह्यः किं दिनम्? शनिवासरम्। तो ह्यः शनिवासरः। श्वः सोमवासरः। श्वः सोमवासरः। तो ये आपको उपयोग अद्य ह्यः पर ह्यः प्रपर ह्यः ये आपको मालूम है? या यस सर, डे बिफोर यस्टरडे बोलने के लिए। हाँ, तो तीन होते हैं, ह्यः पर ह्यः और प्रपर ह्यः। तो पर ह्यः शुक्रवासरः, प्रपर ह्यः गुरुवासरः, और इसी तरह श्वः में भी चलता है, श्वः परश्वः और प्रपरश्वः। तो तीन दिन आगे तीन दिन पीछे, तो पूरे सातों दिन 7 days कवर हो जाते हैं इसी में। अच्छा हाँ, ठीक है ना, अद्य के तीन पीछे जाओगे और अद्य के तीन आगे जाओगे तो पूरे 7 हो जाएंगे। हाँ सर, ठीक है। तो ये तो हमको समझ गया, ये हमने पहले भी किया है। अब समय से वर्ष पे अगर यूज करते हैं तो किस प्रकार करेंगे? हाँ, अभी उसी पे आ रहा हूँ। तो दिनों के अतिरिक्त हमारे पास मास भी होता है ना, मासह जो है मंथ, महीना। फिर वर्षह, और वर्षह की जगह संवत्सरह भी होता है। ईयर। तो अब वर्षह की जगह के लिए हमको यदि उपयोग करना है, या जैसे बोलना है कि नेक्स्ट मंथ फर्स्ट संडे, तो कैसे बोलेंगे आप? चलिए, नेक्स्ट मंथ फर्स्ट संडे, अभिलाष जी प्रयास कीजिए। और परमासे ना प्रथमः रविवासरः। हाँ, थोड़ा थोड़ा हाँ सर, मिल रहा है। अब यहाँ पे मास में हम पर लगाने की जगह आगामी, आगामी हाँ तो आगामी मासे, बाकी ठीक है आपका, प्रथम रविवासर हो वो ठीक है। आपने व्हाट्सएप में ग्रुप में मैसेज रखा सर, अहम कक्षा आगामी सप्ताह में स्वीकरोमी, आपने ये टाइप किया सर, लिखा था मैंने, तब मुझे पहले लिखा था। आगामी, तो आगामी एक शब्द है जो नेक्स्ट बोलने के लिए हम उपयोग करते हैं। यदि हमको नेक्स्ट या प्रीवियस ऐसे बोलना है तो आगामी और गत, गत मतलब प्रीवियस, गत मासे एकादशी या पूर्णिमा या अमावस्या, कुछ ऐसा बोलना है हमको। तो ये पास्ट है और ये फ्यूचर है, नेक्स्ट। भविष्य, और ये भूत। तो अब वर्ष में भी यही उपयोग होता है, आगामी और गत। आगामी वर्षे, गत वर्षे। तो अब मोहा जी, आपका कोई प्रश्न है इनसे जुड़ा हुआ जिसमें हम कोई वाक्य बनाने की प्रयास कर सकते हैं तो बताइए। आप कुछ पूछ रही थी, नेक्स्ट और नेक्स्ट टू नेक्स्ट इस तरह का कुछ।
मतलब मैं यही कहना चाह रही थी कि अगर ये पर या अपर या मास या वर्ष में अगर हम लोग प्रयोग करना चाहते हैं तो किस प्रकार करेंगे, या फिर या श्व? वर्षों में मैंने इतना ज्यादा जो जो हम दिनों के लिए उपयोग करते हैं, कल का दिन, परसों का दिन, ऐसे जो बोलते हैं, ये ज्यादातर ये वर्षों और तारीख मासों में वर्ष में हमने गई उपयोग थी। उतना देखा नहीं है। और ठीक इसीलिए मुझे लगता है कि मैंने पर मास, पर वर्ष इस तरह का भी उपयोग नहीं देखा कहीं पे भी, पर आगामी और गत देखा है, क्योंकि अधिक से अधिक हम एक या एक आगे या एक पीछे, इस तरह की बातें आम बोलचाल की भाषाओं में, जो कॉमन यूज लैंग्वेज है, उसमें हम उपयोग करते हैं। पर ये अच्छा चीज है कि हम पता लगा सकें। अभी आपको याद आ रहा है क्या, पिछला मैंने क्या बोला था, संस्कृत भारती से कुछ पता लगाना है, उसको भी मैं कहीं ये यहाँ पे जो लिख लेता डबल हूँ। पूर्ण विराम अर्ध विराम की जो परिभाषा हाँ, ये चीज है है, वो किस करेक्ट, प्रकार प्रयोग में आती है, क्यों ठीक प्रयोग है, में आती है? तो इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। ये पता लगाना है कि इसका और भी कोई सिग्निफिकेंस है क्योंकि अगर ऐसा क्या। हम सिंपल सेंटेंस फॉर्म करते हैं कि 2 वर्ष पहले मैं दिल्ली गया था, तो किस प्रकार इसको, या 2 महीने पहले, 3 महीने पहले मैं दिल्ली गया था, अगर ऐसे कोई वाक्य का प्रयोग है तो ये किस प्रकार किया जाएगा? क्योंकि ये बड़ा गत द्विमासे बोल सकते हैं ना आप, बीते हुए 2 मास, गत द्विमास पूर्व अहम अगच्छत, या अहम गच्छति स्म, तो हो गया पास टेंस। 2 मास के पहले आप कहीं गई थी। पर अच्छा उपयोग है, मैं उसको भी नोट कर ले, उसको भी लिख लेता हूँ। हम संस्कृत भारती से प्रयास करेंगे पता लगाने का, पर मास या फिर पर मास नहीं, श्व मास या श्व वर्ष, इस तरह का उपयोग जो है मैंने तो नहीं देखा, पर संभव है क्या, ये हमको पता शायद करना है। टेक्निकली करेक्ट होगा, संभवतः टेक्निकली इट माइट बी एप्लीकेबल, बट यूसेज में नहीं आता होगा। जैसे अभी आप तक कह तो मैंने रहे कहीं हैं भी नहीं देखा, हाँ, इसलिए तो मैं वो बोल रहा शायद हूँ। पर आगामी और गत जो है, वो देखिए कॉमन भाषा में जो उपयोग होता है एक्सप्रेशन, उसी के लिए कुछ शब्द बनते हैं। तो अब यदि हम श्व वर्ष बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं, यदि हमको आवश्यकता लगती है तो हमने पहले भी शब्द बनाए हैं, आपको ध्यान होगा तो। और भाषा तो वैसे ही विकसित होती है कि जब नए नए शब्द बने जिसका उपयोग है तो हम बना सकते हैं। पर अभी जैसे आगामी वर्ष ऑलरेडी एक शब्द है, तो श्व वर्ष का कोई उपयोग नहीं है क्योंकि आगामी वर्ष है, और उल्टा भी हम बोल सकते हैं कि यदि श्व वर्ष शब्द है तो आगामी की आवश्यकता क्या है, जब श्व वर्ष से ही वो आवश्यकता पूरी हो जाती है। वैसे तो मतलब उद्बोधन के अलग अलग प्रकार होते हैं, तो उद्बोधन का प्रकार हो सकता है। हो सकता है, हम पता करके देखेंगे। आपको भी यदि किसी आचार्य से संपर्क हो तो आप भी प्रयास कर सकती हैं, मैंने तो नोट कर लिया है। सर, श्वा या श्वा और यह का अर्थ है टुमारो एंड यस्टरडे, वही है ना सर? हाँ, तो श्वः और ह्यः का तो अर्थ ही टुमारो और यस्टरडे है, तो इसलिए श्वः हाँ वर्षः तो वैसे भी उपयोग नहीं हो सकता। हाँ इसलिए अगर हमने नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट ईयर को बोलते समय आगामी यूज करना बिल्कुल है। हाँ, हाँ, अगर अंग्रेजी में भी आया तो समझ में आ रहा है सर, थोड़ा थोड़ा दोनों मैच करते समय। करेक्ट। हाँ, तो जैसी आवश्यकता है और हम वैसे वैसे करेंगे। आगामी और गत जो है इसका उपयोग अच्छा है, तो उसको बस समझ लीजिए। हाँ, बोलिए अभिलाष जी।
परमास ये नहीं, पर का उपयोग कहाँ हुआ सर? हाँ पर, पर का इंडिपेंडेंट उपयोग है ही नहीं, पर ह्यः है या परश्व है, परश्व तो वो so, अलग पर से का उपयोग अर्थ क्या होता सर? परलोक कहते हैं और परदेशी कहते हैं, वो उसमें पर क्या है और इसमें पर क्या है सर? वो सेम है, वही है, पर मतलब सेम दूसरा, तो जैसे देश मतलब तो मेरा हमारा अपना भी देश, ठीक है। और परदेश हाँ मतलब दूसरा देश, कोई और अच्छा देश, अच्छा समथिंग एल्स, पर मतलब सम अदर ठीक है ठीक है। या नेक्स्ट। तो जैसे परलोक, तो जैसे लोक जो है ये हमारा अभी जो धरती लोक या पृथ्वी लोक कह लीजिए, और परलोक मतलब सम अदर लोक, जैसे दूसरे स्वर्ग लोक या पाताल लोक ऐसे कथाओं में आता है। हाँ तो श्वः मतलब टुमारो एंड परश्वः मतलब अनदर टुमारो, तो नेक्स्ट टू, ओके नेक्स्ट टू टुमारो, ओके हाँ हाँ तो वैसा यूसेज है। चलिए अच्छा है, आज सार्ध अष्टवादने द्विनिमेषे अस्ति, तो अब तक उतनी देर में हम क्या कर सकते हैं देखते हैं। हाँ ये थोड़ा सा नए शब्द ले लेते हैं, तो एक शब्द लेंगे तो भी बहुत हो जाएगा। महामहोदया, दर्पण सुंदरम वा, महोदय पुनः वदतु पुनः वदतु। दर्पणः सुन्दरः वा। नमो नमः अभिलाष महोदय, नमो नमः आचार्य। स्क्रीन शेयर, ओके। सर ये नहीं कहते कह सकते सर, दर्पणः सुंदरम वा ये नहीं कह सकते। हाँ अभी देखो अंतर क्या है कि दर्पण जो है पुल्लिंग शब्द है, इसके विसर्ग से पता चल रहा है। यदि ये दर्पणम आप कह रहे होते तब वो नपुंसक लिंग होता, लेकिन दर्पणम जो है वो उसकी द्वितीया है, दर्पण जो है पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। जैसे इवन नरेश धनुष, जहां पे भी विसर्ग लगता है वो पुल्लिंग है, परणम ये नपुंसक लिंग है, हाँ परनम ठीक है। पत्ती, कोई भी पेड़ का पत्ता जो लीफ होती है वो नपुंसक लिंग है, तो परणम उपयोग होता तब हम सुंदरम पूछते कि परणम सुंदरम वा, तो वो करेक्ट है, लेकिन दर्पण जो है पुल्लिंग है इसलिए सुंदर भी जो शब्द है संज्ञा है उसी अच्छा को फॉलो करता है, हाँ जैसा उसका समझ गए फॉर्म है वैसे ही इसका भी फॉर्म होगा। हाँ अभी शायद मोहा जी अब नहीं आने वाली, क्योंकि सार्ध अष्टवादनम अस्ति, तो आप सिर्फ इस प्रश्न का उत्तर बोल दीजिए या यहाँ पे कोई भी एक वाक्य बना के देखिए दर्पणम दर्पण पे, और फिर हम रुक जाते हैं, फिर हम समाप्त कर देंगे। तो अभिलाष महोदय, दर्पण सुंदर वा। आम आचार्य दर्पण बहु सुंदर अस्ति। बहु सुंदर, और अस्ति बिना लगाए भी चलेगा इस वाक्य में, क्योंकि
आप उत्तर दे रहे हैं और उत्तर प्रश्न में ऑलरेडी दर्पण की बात हो चुकी है, तो आम बहु अच्छा सुंदर ये भी चलेगा, और आम बहु बहु सुंदर अस्ति, या आम बहु सुंदर दर्पण बहु सुंदर अस्ति, वो भी चलेगा। चलिए तो अब आगे का हम आगामी सप्ताह करामः। इदानीं कक्षा समाप्तं करोमि, पुनर्मिलामः पुनर्मिलामः आचार्य, रात्रि। धन्यवादः, बहुत धन्यवादः। धन्यवादः अभिलाष महोदय, शुभ रात्रि आचार्य, शुभ रात्रि।